9 महीना के गर्भाधारण के बाद जखन बच्चा के जन्म होइत छै त एकटा संत्रास एकटा श्वास जे छै से माय छोड़ैत हेतै त हमरा लगैए एहि आयोजन के जे गर्भ रूपी 9 मास छलै तकरा मूर्त रूप देला के बाद केहन महसूस भ रहल हम पूजा पर बैसल रहे एहि पूजा के महायज्ञ के मुख्य यजमान रही और जहन हमरा 2:30 बजे आबि कऽ एकटा विद्यार्थी आबि कऽ कहला जे भैया से 2 करोड़ महादेव लग पुरि गेल और सच पूछी तो हमरा आँखि सँ नोर खसि पड़ल कि जे आयोजन के लेल एतेक पैघ हमसब एतेक दिन सँ दिन राति एक केने रही ओ मूर्त रूप लेलक ओ सफल भेल और सफलता के जो एहसास छलै ओकरा हम शब्द में नहीं हम बांध के कह सके छी ओ सफलता ओ चीज के एहसास ओ आनंद हमर पूरा रोइया ठाड़ भ गेल जे एतेक दिन के जे वेदना छल एतेक दिन के जे ई संतरास छल से आय तैसे आय मुक्त भ गेलौं जे चीज के हमसब संकल्प लेने रही ओ चीज पूरा भ गेल कुल मिला के ई कही जे अगला बेर जे हमरा सब 5 करोड़ के टारगेट राखी तो अचीव कयल जा सकैए उम्मीद हम करै छी जे अगला महादेव अगला पार्थिव लिंग पूजा जो हैत तो भ सकैए 5 कोटि लिंगम पूजा हैत एकर हम संभावना एखने हम बता रहल छी सब गोटा के हृदय से प्रणाम करैत आभार प्रकट करै छियन श्री श्री 1008 मिथिला पार्थिव लिंग पूजा समिति के तरफ से और हमरा सब के उम्मीद रहे छल जे एतेक पैघ कार्यक्रम हमसब कऽ सकितौं ताहिमे अहाँ सबके सहयोग एवं सान्निध्य सँ ई कार्यक्रम सम्पन्न भेल तै सब गोटा के मिथिलावासी के सनातन प्रेमी के चरण स्पर्श करैत हर हर महादेव कहै छी जय मिथिला हर हर महादेव हम छी ललित नारायण झा अपने लोगन के स्वागत कर रहल छी सौराठ सब एकटा इतिहास रचेलै और जकर चर्चा देश दुनिया में सौंसे भ रहल छै प्राय हमरा लगैए जे कत्ताक से चैनल पर अपने सब ए वीडियो के देखलिए और ए तमाम तरहक आयोजन में सँ हमरा नहीं लगे जे एक गोटा क्यों गोटा मीन मेख निकालने हेता तो आयोजन कतेक उत्कृष्ट छलै एकर वैशिष्टता या एकर यशगान एकर जयगान कतेक दूर तक गेलै तकरा लेल हमरा लगैए कोनो शब्द आब कम पड़ि जेतै मनोज जी छथि आनंद जी और आयोजन मंडल के और लोकन सब छथि बहुत गोटा के जे छै से ई इच्छा छल जे एतेक अद्भुत जे पूजा भेलै 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के पूजा एक दिन में ओहि के संगे संगे अलग तरहक अनुष्ठान चाहे महामृत्युंजय के जप होय या अलग अलग जे छै सैकड़ों कुंड में हवन होय लेकिन आंकड़ा कतेक छलै कि अगला बेर जो हमरा सब चाही जे आंकड़ा से नमहर डेर पारे के तैमे हमरा सब ठार भ सकब नहीं भ सकब ए तमाम विषय पर जे छै से बातचीत करब बहुत बहुत स्वागत है मिथिला वीरण धन्यवाद कतेक आंकड़ा छलै टोटल महादेव के जे अखन तक आंकड़ा आयल सबटा आंकड़ा अखन नहीं है लेकिन जे पहुँचल तैमे 3.78 करोड़ तक के आंकड़ा आयल और जतेक अखन गाँव बचल छथि हिंकर आंकड़ा आयत हमरा लगे 4 से 5 करोड़ के बीच के कोनो आंकड़ा बनत एखन बीच के कोनो आंकड़ा बनत एखन तो ओहो आंकड़ा एका दिन में हम अहाँ के दे देव लेकिन 4 से 5 करोड़ के बीच के आंकड़ा निश्चित रहत ओ चाहे जे हमरा लगैए जे ई तो ओ आंकड़ा है जे कोनो कागज पर लिखल छै एकरा से इतर बहुत रास एहन महादेव छै जे बिना जोड़ घटाव गुणा के जे छै से हुनकर निर्माण भेलनि पूजा भेलनि तो ओ किछ और बढ़ सकै छै हाँ और जना बहुत सारा ग्रुप एहन छलै कि जना मैथिलानी समूह छथिन तो मैथिलानी ग्रुप से लगभग 4 से 5 महिला रहथिन ओ विभिन्न विभिन्न ग्रुप में महादेव जाए सखी बहन पा ग्रुप रहथिन एकर अलावा बहुत गांव से एहन महिला सब आयल रहथिन कि कोनो गांव से 10 महिला आयलखिन तो कतो ओ अपन बनेलखिन तो किनको कहलखिन तो तेई संगे जोड़ देल गेलै तो ओ दोसर के किनको कहलखिन और विभिन्न जगह पर जिनका नहीं कतौ जगह भेटन जतबे जगह भेटन ओते ओ बैस के महादेव बनवा लगथिन तो एहन एहन महादेव के आंकड़ा लगभग 50 लाख से ऊपर एहन एहन महादेव के आंकड़ा छ तो तैं हम कहलहुँ हैं जो 5 करोड़ तक के आंकड़ा छू सकै छै ई संभावना छै पूरा तो कुल मिला के ई कही जे अगला बेर जे हमरा सब 5 करोड़ के टारगेट राखी तो अचीव कयल जा सकैए उम्मीद हम करै छी जे अगला महादेव अगला पार्थिव लिंग पूजा जो हैत तो भ सकैए 5 कोटि लिंगम पूजा हैत अच्छा एकर हम संभावना एखने हम बता रहल छी 5 कोटि लिंगम पूजा अगला पूजा 5 कोटि लिंगम पूजा पर काज शुरू हेतै किएक तऽ ई एकटा संभावना मिथिला में जागल है जे हमसब एक दिन में अगर 1.25 करोड़ के संकल्प लऽ कऽ 5 करोड़ के आंकड़ा के छुबे के करीबो अगर पहुँच गेलहुँ हमसब अगर 4 से क्रॉस कऽ गेलहुँ तऽ निश्चित रूप से अगला पूजा 5 कोटि लिंगम पूजा हैत और निश्चित रूप से हैत
ई बहुत पैघ बात कहलत है और जे चीज के पैरोकारी हम बहुत दिन से करत रहलौं बहुत बेर सौराठ में आबि कऽ या फिर अलग अलग चाहे वो मंडन धाम होए जतौ ततौ एकटा चीज कहैत रहलियै जे एहन एहन तरहक जे जगह छै जे जगह के इतिहास में स्थान छै जे जगह के पौराणिक प्रमाण सब भेटलै है ओहि जगह पर आब एहने एहने तरहक आयोजन जो हेतै जे पांडित्य परम्परा मिथिला के छै तखने जे छै से ओहि चीज के हमरा सब और आगाँ लऽ कऽ आबि सकै छी। आनन्द जी सेहो छथि, आनन्द भाई बहुत बहुत स्वागत, अभिनन्दन अहाँ के, और जे काज भेलै से न भूतो न भविष्यति वाला काज भेलै। आनन्द भाई, हमरा सब जखन कोनो आयोजन करै छी तऽ बड़ा छीटा रोपण जे छै से ओहिमे अलग अलग तरहक बातचीत निकलि कऽ अबैत छै, लेकिन हमरा लगैए जे कार्यक्रम के बाद जहिना हमरा सभक दीपोत्सव 11,000 दीप में कोनो नकारात्मक कमेंट नहीं भेटल छल तहिना एहि कार्यक्रम में हमरा नकारात्मक कमेंट नहीं भेट पाबि रहल अछि कतौ सँ। एहि कार्यक्रम के कतेक जे छै से अचीवमेंट के रूप में देख रहल छी एहि चीज के खास तौर पर जखन कि हमरा सब मेन मिख निकालै में जे छै से सबसँ आगाँ छी, तै परिस्थिति में कतौ सँ हमरा सबके नकारात्मक चीज नहि, हर जगह सँ हर हर महादेव भऽ रहल छै। देखियौ, ई मिथिला नगरिया छै और एहिठाम सँ अगर किछु दुनिया के मैसेज छै तऽ पूर्वोमे जखन हमर सबके विरासतमे जे पुरुष महापुरुष सब भेलखिन ओहो सब एहि दुनिया के मैसेज देलखिन, चाहे याज्ञवल्क ऋषि के माध्यम होइ, गौतम ऋषि, अहिल्या, वाचस्पति मिश्र, मांडन मिश्र और अनेको महाविद्वान सब, कुमारिल भट्ट, तऽ ओ सब जे मैसेज देलखिन एहि धरती सँ ओहि दुनिया के सब दिन रास्ता प्रशस्त केलकै और काल्हि जे भेलै मिथिला के धरती हृदय स्थली सौराठ सभा गाछीमे तऽ इहो दुनिया के रास्ते देखाबै के एकटा से मार्ग कहि सकै छियै भेटलै महादेव के माध्यम सँ। रहलै मीन मेघ के बात, तऽ मीन मेघ तऽ होइते छै, अखनो भऽ रहल छै हेतै और काल्हिओ होइत रहतै, लेकिन अल्टीमेट एकेटा ऑब्जेक्टिव रहै जे मिथिला के सनातन धर्म के सभ्यता जे के हिंदू धर्म के जे बात करै छियै एकरा अगर पुनर्स्थापना करै के बात चल रहल छै दुनिया मे तऽ ओहिमे मिथिला नेतृत्व करै के लेल सबसे आगा आबि गेलै और यह नेतृत्व मिथिला के स्थापित करतै विश्व के परिधि मे और विश्व कल्याण के बात। आब अखन देखियौ अहाँ जे जाहि परिस्थिति मे जाहि सब काल चक्र मे अपना सब अखन जीव रहल छी एहिमे देखियौ एकटा देश दोसर देश पर बम खसा रहल छै, एकटा ताकत पर दोसर के खाय पर लागल छै, एक जाति दोसर जाति के नीचा देखबा पर लागल छै, एक धर्म दोसर धर्म के नीचा देखबा पर लागल छै, कट्टरपंथिता बढ़ि रहल छै, ओहन परिस्थिति मे मिथिला के लोक से विश्व कल्याण के बात कऽ रहल छै तऽ एहिमे मीर मेघ के तऽ सवाले उत्पन्न होइ छै आ जँ कतौ कोनो अगर भाइदवे होइतो हेतै तऽ भऽ सकै छै हँसी मजाक मे होइत हेतै। बहुत सुंदर बात कहलन, हालांकि एक चर्चा कुमारिल भट्ट के कह देलन हैं, तें हमरा मनोज भाई लग जे छै से पुनः आबऽ पड़ रहल है, कारण जतय के बात छै ई हमर अगवार पछवार के बात है, चूंकि हमरा सब एक पंचायत एक गांव एक जगह के रहे वाला छी और बेर बेर एकटा चीज कहैत छियै जे एहन एहन जे जगह छै तै जगह पर आब एहने एहने जे चीज छै जे पांडित्य परम्परा वाला जे हमरा सबक जे पुरातन जे अपन जे वंशानुगत जे चीज सब आबि रहल छै तकरा सबके जे ओहि जगह पर स्थापित करी तऽ मिथिला के जे वैभव छै ओ पुरान स्वरूप में आबि जेतै, तऽ चाहे ओ महिलामक सूर्य स्तंभन होय, पहिल सूर्य स्तंभन होय, या फिर जे भट्ट सिमर के कुमारिल भट्ट के ओ बात कयलनि हैं, या फिर सौराठ तऽ छैहे, ओकरा से इतर अगर बात करी तऽ फिर महिषी धाम भऽ गेल, मंडन धाम भऽ गेल, तऽ एहि सब जगह पर की एहने एहने आयोजन के खगता छै आप? बिल्कुल, एहन एहन आयोजन के अखन मिथिलांचल में बहुत जगह पर खगता छै और एहि रूप से हेबाक चाही जे कुछ नया प्लान, कुछ नया कंसेप्ट के लऽ कऽ, यानी जे पुराना जे विचारधारा छै ताहि पर लऽ कऽ, किएकि अगर हम नया के किछु सामंजस्य लऽ कऽ नहि चलबै तऽ युग धीरे 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 नया के ओर बढ़ै छै तऽ किछु नया पुरान मिला के एकटा नया चीज बनायल जा सकै छै। तैं मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के स्थान पर भट्ट सिमर मे या सूर्य स्तंभन मैलाम मे छै आ महिषी मे भेलै, ओकर बाद से बहुत सुंदर एकटा जगह छै परसा धाम जतय सूर्य के पूजा होइ छै ओतय छै, आ बहुत सुंदर एकटा स्थान छै विष्णु के लेल बरुआर, विष्णु बरुआर ओतय हेबाक चाही ई चीज। एहि तरहे ससौला सभा सेहो बहुत दिन तक लगैत रहलै आ ओहोठाम अहिना पर्याप्त जगह छै तऽ ओहोठाम एहि चीज के फेर से नया विचारधारा लऽ कऽ आगू बढ़बाक चाही, ई हमर अपन पर्सनल विचार अछि। बहुत सुंदर विचार है और मिथिला सांस्कृतिक यात्रा में तो मैं एहने एहने जगह के खोज रहल छी, विशोल छै, एके बाद गांडीवेश्वर जगह, एके बाद अहाँ याज्ञवल्क लऽ लिअ, गौतम कहबे कयलनि हैं, अहिल्या कहबे कयलनि हैं, ओम्हर जे श्रृंगी ऋषि के आश्रम छनि, तऽ एहन एहन अद्भुत एक से एक जगह छै जे सब चीज छूटल छै तकरा हमसब लऽ कऽ अबैत रहब। और कनिक अगर टेक्निकल किछु बात पुनः जे छै से एक बेर आनन्द जी से और करै छी जे कतेक समय लगलै एहिमे और
केना एहन तरहक चीज एलै मनमे जे नहि एहन तरहक आयोजन करबाके? पहिले समयके विषयमे हम जानऽ चाहब जे कतेक समय लगलै आयोजनके पाछा? एहि आयोजनके पाछा लगभग एक साल लगलै, 2 महीना ओहिमे हल्का रहलै आओर 10 महीना एहिमे पूरा समय लगलै। आओर एहि 10 महीनामे लगभग 400-500 गाँवसँ मूवमेंट कयल गेलै, घूमल गेलै। आओर सबसँ पैघ बात रहलै जे एहिमे एक दूटा एहन गाँव रहलथि जे कहलथि कि जे हमर महिला ओतऽ महादेव नहि बनेता बनेथिन। एकर अलावा से 98% गाँव से हमरा सबके सहमति दर्ज करेला आओर ओ सब तैयार भऽ गेला कि जे हमसब आयब, किएक तऽ एहिमे मुख्य भूमिका महादेवके निर्माणके छै। पूजा तऽ कमो आदमीसँ कयल जा सकै छलै, लेकिन महिला अगर पूरा सशक्त भऽ कऽ नहि अबतथिन तऽ एहि पूजासँ एकटा एहि दुनिआके मैसेज गेलै जे महिला सशक्तिकरण ककरा कहै छै मिथिलासँ सीखू, संस्कृति ककरा कहै छै मिथिलासँ सीखू। आओर सबसँ पैघ बात आओर रहलै जे इको फ्रेंडली पूजा छलै, एहिमे माटिके आओर पानिके फूलके अक्षतके उपयोग कयल गेलै, तऽ ईसब अचीवमेंट छै एहि पूजाके। तकर बाद अहाँके मोटा मोटी जखन लास्ट पीरियडमे अएलै तऽ 30 जून कऽ एकर जे दिन सभाभास रहै ओहि दिन माटि खनन एवं संकल्प कयल गेल रहै। फेर 8 जुलाई कऽ से फाइनल संकल्प भेलै जे ध्वजारोहण कऽ कऽ ओतऽ संकल्प भेलै। आओर 13 तारीखके पूर्व से 12 तारीखसँ एकर कार्यक्रम शुरू भेलै। आओर ई कार्यक्रम दिनमे करीब 3 बजे हमरा इन्फॉर्मेशन भेट चुकल रहै जे 2:30 बजे करीबमे जे हमसब लगभग 2 करोड़ महादेव क्रॉस कऽ गेल छी, जखन कि गिनतियो नहि भेल रहै। तऽ समय तऽ लगलै, लेकिन अगर सच मानी तऽ एहिमे 1000 करोड़ो वर्ष लागि गेलै। आओर अगर दोसर तरीकासँ देखिए तऽ सभा गाछीके जे सौन्दर्यता छलै, सभा जे चीजके लेल मानल जाइत रहै सभा गाछी, ओ विलुप्त भऽ गेल रहै। आओर ओ विलुप्तताके आबैमे 30 सालके समय लगलै। ई कनि शोचनीय बात छै आओर हमरा समाजके अपन विरासतपर सोचक चाही। हाँ, दोसर फायदा आओर इहो भेलै जे जेना मुक्तेश्वर स्थान छै, चण्डेश्वर स्थान छै, कुशेश्वर स्थान छै, विभिन्न विभिन्न कपिलेश्वर स्थान छै, विभिन्न विभिन्न मठ, विभिन्न विभिन्न गाँवमे जे महादेव मन्दिर सब छै, ओहिसँ हमरा सबके लागल अगर काउंटिंग कयल जाए पूरा मधुबनी जिला, दरभंगा जिला, सहरसा, सुपौल एहि सबके, तऽ हमरा बुझाइए जे विश्वमे सबसँ बेसी मन्दिर एतबे दूरमे भेट जेतै। तऽ ई हमरा सबके देखऽके मौका लागल। तऽ मोटा मोटी एहिसँ तऽ हमरा सबटा फायदे देखा रहल अछि, अगर फायदा तऽ कतौ नजरे नहि एलै। भेट नहि जेतै, सांस्कृतिक नगरी अगर कोनो छै तऽ मिथिला छै। बात रहलै वुमेन एम्पावरमेंटके तऽ हमरा लगैए जे सीतासँ पैघ नाम नहि भऽ सकैए जे नाम एतहिएसँ अवतरित होइत छथि। आओर त्यागके हमरा सब बात सीताके चर्चामे हमरा सब उर्मिलाके छोड़ि दै छियनि, हमरा लगैए जे एहिसँ पैघ त्याग जे छै से शायदे किनको भऽ सकैत छनि। बात अगर करबै तऽ ओहिमे गार्गी सेहो अबैत छथि जे पुरुषके सङ्गे शास्त्रार्थ करै छथि, चुनौती दै छथिन याज्ञवल्क्यके, अपने बात कऽ रहल छलहुँ हेँ। ओहिके बाद जे छै जहन आदिगुरु शंकराचार्य अबैत छथि, जहन मण्डन मिश्र पिछड़ि रहल छथिन, तहन भारती आगाँ अबैत छथिन। तऽ हमरा लगैए जे पूरा दुनिआमे कतौ अगर महिला सशक्तिकरणके बात होइ तकर सूत्रपात एहिठामसँ छै जे रजमे सीतासन बेटी निकलि सकैए, तखने राम जे छै से मर्यादा पुरुषोत्तम होइ छै। तऽ तैँ एहि सब चीजके जे छै से चर्चा परिचर्चा कने कम अपना सब बीचमे कऽ देने छलियै। तैँ बेर बेर कहै छियै जे बंगालमे मीडिया सशक्त रहै, ओहिठाम प्रचार तंत्र रहै, तैँ रामकृष्ण परमहंस वा बामाखेपा विवेकानंद से भऽ जाइत छथि। अहाँ ओहिठुनका साधक, चाहे ओ मदन मोहन उपाध्याय होइ, चित्रधर उपाध्याय होइ, चाहे लक्ष्मीनाथ गोसाई होइ, या एकसँ एक साधक जे छै से ओ गौन पड़ि जाइत छथि। सही मायनामे मानी तऽ हम अहूँके साधके मानै छी। मैथिलीके मीडियाके बहुत आवश्यकता रहै, जखन जे शुरुआती दौरमे जखन हमसब मिथिला मैथिलीके बात केनाइ शुरू केलियै, कॉफी हाउस सबमे बैसी 10 गोटा 5 गोटा, तऽ हमर सबके आवाज नहि केओ बाहर तक जाय, मैथिलीके आवाज, मिथिलाके आवाज केओ उठेनहार नहि रहै, आओर केओ कतौ हमरा सबके जगह नहि भेटै। ओहि परिस्थितिमे अहाँ लगातार सालों संघर्ष कऽ कऽ से आइ स्थिति हम देखलियै हँ, जे काल्हि जखन हम ग्राउंड पर देखलियै, अहाँ कहलियै ने 500 मीडिया, ओहिमे से हमरा बुझाइए जे 400 मीडिया मैथिलीए मीडियाके रहै। तऽ ई अहाँके फुल अचीवमेंट अछि, आओर निश्चित तौर पर सब मिथिला मैथिली करयवलाके एहिमे योगदान हेतनि, लेकिन जे नेतृत्व करै छै कोनो चीजके आओर जे क्रिएटर होइ छै ओकरा जे वेदना सहय पड़ै छै, ओ वेदना तऽ अहीँ सहलियै। आओर आइ हमरा सबके देखा रहल अछि ओ चीज, काल्हि देखेलै सभा गाछीके ग्राउंडमे, आओर कएटा मीडियावला पूछै छलाह जे, तऽ हुनका पूछलियनि जे अहाँ केना बुझलियै ई सब, कहला जे हमसब 6 महीनासँ शुरू केलहुँ हँ, तऽ 1 सालसँ शुरू केलहुँ हँ, 2 सालसँ केलहुँ हँ। तऽ ई पूरा श्रेय अहाँके टीमके जाइए, मैथिली मिररके जाइए। आओर हम तऽ इएह कहब जे आबयवला समयमे मैथिली मिरर हमरा सबके मैथिली
टीवी चैनल बनाकर जरूर देखाबे और ये महादेव के हम सब कहबन जे हमरा सब के भेटा वो चैनल और ओकर नेतृत्व हमर ललित नारायण झा करित रहत किएकि अहाँ के बहुत प्रिय छी अहाँ लोग के हमर माओ अहाँ के बड़ा स्नेह करे छथि तो हमरा पूछलियन जे अहाँ चिन्ह छियन माता राम तो कहलियन नहीं टीवी में देखे छियन हम कहलियन हमर मित्र छथि तो बड़ा खुशी भेलन हुनका तो कहे के तात्पर्य इएह छै जे जेना अहाँ बंगाल के चर्च के लिए अहाँ केरला के चर्च करू अहाँ तमिलनाडु के चर्च करू महाराष्ट्र के चर्च करू देखिए ओकरा सबके सबके अपन मीडिया छै वर्षों से छै आई महाराष्ट्रियन जे अपन यूनिटी बनाकर चले छै कोनो सेना बनाकर कोनो लॉबी बनाकर और लड़े छै केंद्र सरकार से जो वी कैन बी अ क्रिएटर हम सब क्रिएटर भ सकै छियै और हम सब निर्माण क के विश्व के द सकै छियै तो ओहि में हम सब पिछड़े जरूर छी छलों हैं लेकिन काल से महादेव के आशीर्वाद के बाद पूर्ण विश्वास है जे अपना मिथिला के लोग आब जहिना हम सब बहुत आगा छलों हैं सुतल छलों हैं अब महादेव आब के जगा देला है तकर बादो अगर हम सब सूती तो एहन बात की कह सके छी वेदना के बात कलन है तो एमे एकटा अंतिम सवाल अंत में बहुत संक्षेप में एकर जवाब अहाँ से लेबो चाहब जे 9 महीना के गर्भाधारण के बाद जखन बच्चा के जन्म होइत छै तो एकटा संतरास एकटा श्वास जे छै से माय छोड़ित हेतै तो हमरा लगैए अइ आयोजन के जे गर्भ रूपी 9 मास छलै तकरा मूर्त रूप देला के बाद केहन महसूस भ रहल हम पूजा पर बैसल रहे अइ पूजा के महायज्ञ के मुख्य यजमान रहे और जहन हमरा 2:30 बजे आबि कऽ एकटा विद्यार्थी आबि कऽ कहला जे भैया से 2 करोड़ महादेव लग पुरि गेल और सच पूछी तो हमरा आँखि सँ नोर खसि पड़ल कि जे आयोजन के लेल एतेक पैघ हमसब एतेक दिन से दिन रात एक केने रही ओ मूर्त रूप लेलक ओ सफल भेल और सफलता के जो एहसास छलै ओकरा हम शब्द में नहीं हम बांध के कह सके छी ओ सफलता ओ चीज के एहसास ओ आनंद हमर पूरा रोइया ठाड़ भ गेल जे एतेक दिन के जे वेदना छल एतेक दिन के जे ई संतरास छल से आय तैसे आय मुक्त भ गेलौं जे चीज के हमसब संकल्प लेने रही ओ चीज पूरा भ गेल और ओ आनंद के हम शब्द में नहीं बांध सके छी एक और चीज के कनेक्ट करे छी 11,000 दीप पिछला साल हम सब 1,000 दीप जरेने रही 25-30 गोटा हमरा सब गेल रही एक दीप जरे या एक मिझा जाए आई बेर का जे आयोजन छले ते में हमरा एक चीज हम कहने रही अपन टीम के जे हमरा 6 महीना माता पिताजी के श्राद्ध केलों हमरा ओहो में ओतेक ओभिरागर नहीं बुझाए छले जते ओ 11,000 दीप हमरा जरेने बुझाए छल लेकिन ओठन ततेक लोग आबि गेले जे 3 मिनट नहीं पूरा भेले और वे 3 मिनट से कम समय में 11,000 दीप जरि गेले अनूप हमरा कहलक जे भैया दीप अहाँ के जरि गेल तो ई जे नोर छै किछु 1 महीना पूर्व जे छै हमरो एक से एहने नोर निकलल है ते एकर जे छै से महत्व हम बुझि सकै छी और दुनू गोटा या टीम के जते गोटा छथि ई साधुवाद के पात्र छथि जे इतिहास बनलै है कहियो कहने रही मंच से यज्ञशाला से कहने रही जे इतिहास बनै छै ओकरा तोड़े के लेल लेकिन जे पहिल निर्माण भेलै है इतिहास के हमरा लगैए अहाँ सबहक जीवन के संपूर्ण जीवन में जतेक यश प्रतिष्ठा जतेक चीज अहाँ सब करब हमरा लगे अइ सब पैघ काज नहीं भ सकैए ई हमर अपन ऑब्जर्वेशन अइ ठीक ओहिना जहिना कुंज बिहारी मिश्र पूरा जीवन में जतेक गीत गेता हुनकर राम विवाह प्रसंग एक दिस और हुनकर एंटायर करियर एक दिस तहिना अहाँ सबहक जीवन के इंटायर अचीवमेंट एक दिस और मिथिला के जे ई अचीवमेंट क देलिए से एक दिस जी 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 हम समस्त मिथिलावासी के संयोजक के रूप में श्री श्री 1008 मिथिला पार्थिव लिंग पूजा समिति के तरफ से हृदय से साधुवाद करै छी अभिनंदन करै छी एहि कार्य में हमर सबके टीम अध्यक्ष श्री मनोज झा जी कोषाध्यक्ष श्री विमल कुमार झा जी सह कोषाध्यक्ष श्री राकेश मिश्र जी राकेश मिश्र जी 150 से ज़्यादा बेर पैदल कांवर अखन तक उगि चुकल छथि और हम सब तीन आदमी जखन हम टिंकू जी मनोज जी सोचलों जे कतौ जाएब तो चारिम व्यक्ति सौराठ गांव के मुसहरी टोल निवासी राकेश जी रहत और राकेश भैया लग हम सब पहुँचलों और हमर सबके संग दिला कुमोद झा उर्फ महाकाल बाबा टिंकू जी कमलेश जी उर्फ राणा जी देवेंद्र ज्ञानेश जी के संग संग सौराठ गांव के यूथ तमाम युवा वर्ग पोखरौनी गांव के युवा वर्ग रेका सतलखा अरेर धगजरी नागद परजुआर ई जतेक आसपास के युवा वर्ग छै हिनका सबके संगे संगे जतेक 113 या 114 गांव के अखन डेटा देखैल है लेकिन हमरा लग में जे इन्फॉर्मेशन है करीब 115 से 117 के बीच में गाँव छलखिन ओहि गाँव से आयल तमाम युवा गाम गाम से आयल सब माता बहिन दाई माई कक्का बाबा
बच्चा बुद्रुक, देश विदेश सँ जहाँ तहाँ सँ आयल श्रद्धालुजन, उत्तर प्रदेश सँ 500 साल 700 साल पहिले जे मिथिला सँ पलायन कऽ गेल छथि ओहिठाम सँ किछु प्रतिनिधि आयल रहथि, कलकत्ता सँ किछु लोक आयल रहथि आओर भारत के विभिन्न विभिन्न कोण सँ मैथिल नॉन मैथिल जतेक लोक आयल रहथि सब गोटा के हृदय सँ प्रणाम करैत आभार प्रकट करै छियनि श्री श्री 1008 मिथिला पार्थिव लिंग पूजा समिति के तरफ सँ। आओर हमरा सबके उम्मीद रहै छल जे एतेक पैघ कार्यक्रम हमसब कऽ सकितौं, ताहिमे अहाँ सबके सहयोग एवं सान्निध्य सँ ई कार्यक्रम सम्पन्न भेल। तैं सब गोटा के मिथिलावासी के सनातन प्रेमी के चरण स्पर्श करैत हर हर महादेव कहै छी। उम्मीद करै छी कि जे एहिसँ पैघ पैघ कार्यक्रम आबऽ वाला भविष्य मे ई मिथिला करत और देश ने अहिना दुनिया मे धर्म के नेतृत्व करत और अपन सबके मान सम्मान विश्व परिधि मे नहि सम्पूर्ण ब्रह्मांड मे एकटा महत्वपूर्ण स्थान रखत। एतबे बात कहैत हम अहाँ मीडिया कर्मी के, प्रशासन के, मेडिकल टीम के, मधुबनी प्रशासन के, BDO CO जतेक छथि हुनका सबके, रहिका थाना के आसपास के RSS के कैडर सब आयल छलाह है, विश्व हिंदू परिषद के कैडर सब आयल छलाह है, NCC के कैडर सब आयल छलाह है। अब एहि के संगे संगे जतेक कार्यकर्ता जतेक लोक एहिमे सहभागिता दऽ कऽ एकरा सम्पन्न करेला हुनका समस्त टीम, समस्त समाज, समस्त मिथिलावासी, समस्त ब्राह्मण समाज, समस्त हिंदू सनातन समाज के तरफ सँ आभार प्रकट करै छी, धन्यवाद प्रकट करै छी और हर हर महादेव कहै छी। बहुत रास बात ई कहि देलनि हैं और एहि आयोजन सँ जे छै से हमरा सबक छाती जे छै से चौड़ा भऽ गेल, पुष्ट बलिष्ठ सबटा भऽ गेल, जे कोनो जे यज्ञ ठानि देबै तऽ अहाँ सब ओकर जे छै से सफल पूर्णाहुति करा देबै टा करबै। ई काल्हिखनि हमरा सबके परिलक्षित एक बेर पुनः जे छै से ई बात परिलक्षित हमरा सबके भऽ गेल। बहुत बहुत धन्यवाद और हिनका सबक जे बात, जे वेदना, जे दर्द और जे प्रसन्नता छनि ताहिके बाद हमरा नहि लगैए जे आओर एहिसँ बेसी कोनो बातचीत हेबाक चाही। सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरत, सौराठ, महादेव। हर हर।